हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर नुशरत नाज। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फैब्रिक फ्लावर बनाने का तरीका। तो गाइज़, यहाँ पे इस फैब्रिक फ्लावर को बनाने के लिए पहले हमें पेटल्स कट करने होंगे और फिर उसे स्टिच करके हम ये फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। तो इस टाइप के फ्लावर को बना के आजकल ड्रेस को काफ़ी डेकोरेट किया जा रहा है और ट्रेंड में भी है। तो मैंने इस फ्लावर को भी अपने एक कॉर्सेट टॉप को डेकोरेट करने के लिए बनाया है, जिसका पार्ट वन वीडियो मैंने शेयर कर रखी है, लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, एक बार जाके आप उसे चेक जरूर करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया सैटिन फैब्रिक, जिसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और मुझे एक पेटल का शेप कट करना है। पेटल की लंबाई आप 3 इंच रख सकते हैं, चौड़ाई 2.5 इंच रख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने पेटल का एक शेप ड्रॉ किया है। आप चाहो तो राउंड शेप में भी इसे ड्रॉ कर सकते हो, राउंड शेप में भी फ्लावर क्रिएट हो जाता है। तो मैंने इस मार्क को अभी कट कर ले रही हूँ फैब्रिक पे। इसी तरीके से गाइस बहुत सारे पीसेस कट करने हैं और 2 पीस को एक साथ में रख के इसके साइड को इस तरीके से स्टिच करना है। स्मॉल नॉचेस डालनी है चारों साइड पे, जिससे कि पेटल को जब हम सीधा करें तो ये स्मूथली अच्छे से सीधा हो जाए और कोई भी रिंकल स्टिचिंग लाइन पे नहीं आए। अभी इसी तरीके से हमें बहुत सारे पैटल्स रेडी करने हैं। तो सबसे पहले इस पैटल के ऊपर हमें अब आयनिंग करनी है, जिससे कि इसके स्टिचेज अच्छे से बैठ जाए और ये सेट हो जाए। तो गाइज, मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेटल्स रेडी कर लिए हैं। गाइज, हमें एक फ्लावर में एटलीस्ट 11 पेटल्स ऐड करने होंगे तो एक फ्लावर रेडी होगा। तो सबसे पहले मैंने एक पेटल लिया है और उसकी इस तरीके से बकिया स्टिच लगाई है। इसी तरीके से हमें 6 पेटल्स लेने हैं और 6 पे इसी तरीके से बकिया स्टिच लगा करके इसको राउंड करना है। तो यहाँ पे मैंने 6 पेटल्स ऐड कर लिए हैं और अब मैं इसके फर्स्ट वाले पेटल के पास इसको इस तरीके से थ्रेड को खींच के वापस लेके जा रही हूँ और यहाँ पे एक नॉट लगाना है और इसे अच्छे से टाइट कर लेना है। तो ये हो गया फ्लावर का फर्स्ट लेयर। गाइस, सेकेंड लेयर के लिए सेम प्रोसेस हमें करना है। यहाँ पे भी हमें स्मॉल साइज़ के पेटल्स लेने हैं और ये तो गाइस यहाँ पे हमें इस पेटल को 5 पीस लेने हैं और इसे सेम स्टिच करनी है जैसे कि हमने नीचे वाले लेयर में स्टिच किया था। और 5 पेटल स्टिच करने के बाद सेंटर पे इसको अच्छे से स्टिच लगा के फ्लावर को कंप्लीट करना है। तो फिर नॉट लगाने के बाद फ्लावर यहाँ पे रेडी है। अब इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करते हैं इसके लुक को। तो यहाँ पे मैं इसके सेंटर पे कुछ बीड्स इस तरीके से ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ वाइट बीड्स, कुछ गोल्डन बीड्स और एक कॉइन लिया है और उसे बीच में सेंटर में अच्छे से टक कर दिया है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने फ्लावर को कंप्लीट स्टिच कर लिए और ये रहा इसका फाइनल लुक। अभी मैं इस तरीके के बहुत सारे फ्लावर्स क्रिएट करने वाली हूँ और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं इसे एक कॉर्सेट टॉप पे डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ये फ्लावर को बना के मैं कॉर्सेट टॉप पे डेकोरेट करूँगी और उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.